दोस्तों मोगरा, बेला या जैस्मिन, ये जो सामने प्लांट दिख रहा है आपको, इस प्लांट की स्थिति कुछ दिन पहले की है। ये इसमें एक भी फ्लावर नहीं था, एक दो कहीं कहीं कलियां दिख रही थी, लेकिन इस समय कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें कई सारे फ्लावर भी आ गए हैं, बहुत सारी कलियां भी हैं। तो ये सब कैसे हुआ है, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियाज़ विद आरपीएस के एक नए एपिसोड में। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा हमें नई नई अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आपको जो प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट की एक खासियत दिखाऊं आपको कि इसकी सारी की सारी ब्रांचेज में सभी जगह पर जो है कलियां लगी हुई हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें कली ना हो, सभी में कलियां हैं और फ्लावर हैं। लेकिन ये जो है आज से 10 दिन पहले ये ऐसा नहीं था, इसमें एक दो कली थी तो थी, नहीं तो फ्लावरिंग तो हो ही नहीं रही थी। कली आ रही थी और दिख रही थी छोटी छोटी, लेकिन अब इसमें भर के फ्लावरिंग आई है। ये देखिए धूप यहाँ पर बहुत तेज़ है, मैंने फुल धूप में रखा हुआ है। इस प्लांट को फुल धूप में रखना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए फुल धूप में रखना चाहिए। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, उस ऑब्जर्वेशन को आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले काम तो प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। हल्का हल्का जो है ऊपर से थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए और जो आपके फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं उनको तोड़ दीजिए। ये तो पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो अपनी खाद है, जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद जो है, आप 2 मुट्ठी जो है गमले में आप डाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुड़ाई करने के बाद खाद देनी है। आप गुड़ाई करिए उसके बाद उसमें खाद डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए कुछ तुलसी के पौधे भी बगल में उग गए हैं, इनमें मैंने जो है तुलसी के बीज डाल दिए थे, तो जो मंजरिया काट के डाली थी उन्हीं से उग गए हैं। तो मैं बता रहा था इसमें जो है 2 मुट्ठी आप खाद डाल दीजिए और उसमें जो है पौधे को सुबह शाम पानी दीजिए। और एक विशेष चीज़ का बात बताता हूँ आपको कि मैंने ये सारे उपाय किए थे फिर भी मेरे में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। फिर एक उपाय मैंने किया जिससे मेरे में भर के फ्लावरिंग हो गई है और 1 हफ्ते में ही ये रिज़ल्ट दिखा है। वो क्या था, मैजिक फर्टिलाइज़र बोलिए या आप इसको कुछ भी बोलिए, ये एक्चुअली एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट है। तो इसकी सॉइल की एसिडिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसमें जो है फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी को 10 मिनट के लिए पानी में डुबाया और उसको मिक्स किया। उसके बाद वही फिटकरी का पानी जो है मैंने इस पौधे में दिया था। एक बार मैंने फिटकरी का पानी दिया है और उससे ही जो है ये इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं और इतनी सारी कलियाँ बनी हैं। एक्चुअली जो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें आप कितना भी जो है आप खाद डाल दीजिए, उनको कितना भी जो है धूप में रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक जो है इन प्लांट्स की सॉइल एसिडिक नहीं होगी, जब तक उसमें एसिडिक जो है सॉइल की पीएच वैल्यू नहीं जाएगी, तब तक जो है प्लांट हमारा न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। आपको मैसेज ये है कि जो प्लांट होता है, प्लांट को आप सब खाद देंगे सब कुछ उसमें पड़ा रहेगा, लेकिन जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिस कारण से ये आगे जो है अपनी फ्लावरिंग वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी अगर ना हो तो फिटकरी की जगह पर आप विनेगर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला करके सॉइल में दे सकते हैं। ठीक है, उससे भी जो है इसकी सॉइल एसिडिक हो जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा है आपका 7 से 8 दिन 10 दिन में तो आपका भर के रिज़ल्ट दिखेगा। तो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा एक ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी आपकी, आपके पौधे में जो है भर के फूल आएंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें कली या फ्लावर ना हुआ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।